हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब होता है ऐसी लाइब्रेरी जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, जो भी जर्नल्स मिल रहे हैं, सब कुछ हमारा ई डॉक्यूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहा है। तो अब डिजिटल लाइब्रेरी को बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिफाइन किया, तो उसमें से जो दो तीन इंपॉर्टेंट हम लोग को उनको कंसिडर करना है। तो सबसे पहले है क्लिफोर्ड लिंच, जो कि 1995 में इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी को डिफाइन किया। इनके हिसाब से ये था कि डिजिटल लाइब्रेरी इज़ नॉट जस्ट वन एंटिटी बट मल्टीपल सोर्सेज डैट आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट ने ये बोला था कि डिजिटल लाइब्रेरी एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से मतलब मल्टीपल सोर्सेज देता है, तो हम लोग का आंसर करना है क्लिफोर्ड लिंच के द्वारा। फिर क्वेश्चन आएगा कि टेरेंस आर स्मिथ के द्वारा जो 1997 में उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी को किस तरीके से डिफाइन किया था। तो डिजिटल लाइब्रेरी इज़ ए कंट्रोल्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑब्जेक्ट डैट आर इन डिजिटल फॉर्म एंड डैट मे बी ऑर्गेनाइज्ड एक्सेस्ड इवेल्युएटेड एंड यूज्ड बाय मीन्स ऑफ हेट्रोजीनियस एंड एक्सटेंसिबल सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज डैट आर सपोर्टेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम लोग को बस इतना याद करना है कि जो भी अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और बोला जाए कि किस साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है कंट्रोल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो टेरेंस आर स्मिथ के द्वारा, कब, तो 1997 में। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो टर्म है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, उसका सबसे पहले यूज़ कहाँ किया गया, कब किया गया था, तो 1994 में। उसके बाद जो लाइन है इसको तो याद ही कर लेना है कि जो टर्म है डिजिटल लाइब्रेरी वो फर्स्ट आया था 1994 में और किस प्रोजेक्ट के तहत। तो यूएस गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, उसका जो फेज़ वन था उसी प्रोजेक्ट में डिजिटल लाइब्रेरी टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये प्रोजेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1994। तो ये दो बातें याद रखनी कि डिजिटल लाइब्रेरी का टर्म आया था 1994 में और कौन से किससे, तो यूएस गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट उसके तहत। फिर जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे उनका नाम है बॉर्गमैन। इन्होंने ये कहा था कि डिजिटल लाइब्रेरी केवल ये नहीं है कि हम लोग वहाँ से डिजिटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जो है चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से, सर्विसेज, आर्किटेक्चर, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और ए सेट ऑफ टूल्स। फिर हमारे फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं मार्कोनी एंड फॉक्स, जो जिन्होंने 1999 में डिजिटल लाइब्रेरी को डिफाइन किया। इनके अनुसार डिजिटल लाइब्रेरीज के चार डायमेंशंस थे, जो कि कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और कंटेंट। तो अभी तक में हम लोग को ओनली ये तीन से चार चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे क्लिफोर्ड लिंच 1995 में, इन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी एक सिंगल एंटिटी नहीं है। टेरेंस आर स्मिथ के द्वारा ये कहा गया कि डिजिटल लाइब्रेरी एक कंट्रोल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर जो डिजिटल लाइब्रेरी का टर्म है वो 1994 में है, किसके द्वारा, तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। उनका कौन सा प्रोजेक्ट, तो डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। फिर बॉर्गमैन ने डिजिटल लाइब्रेरी को चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया, जो कि सर्विसेज, आर्किटेक्चर, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सेट ऑफ टूल्स था। फिर मार्कोनी एंड फॉक्स ने डिजिटल लाइब्रेरी को चार डायमेंशंस बताए, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड कंटेंट। अब देखिए जो डिजिटल लाइब्रेरी के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको भी याद रखना है। तो डिजिटल लाइब्रेरी के अगर हमसे पूछा जाए कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 6 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहला तो कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लैब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, IPR एंड डिजिटल राइट मैनेजमेंट एंड डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज। इनके नाम हम लोग को याद रख लेने हैं और डायरेक्ट याद रखना है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 6। अब उसके बाद आता है कि डिजिटल लाइब्रेरी में हम जिस तरीके से सर्च करते हैं, हम लोग को सर्च करने में किस तरीके का जो सुविधा वगैरह सब हो रहा है, उसके लिए जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम वाई टू, जिन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, एक मॉडल दिया था। वो कब दिया था मॉडल, तो 2000 में। तो हम लोग को यहाँ से ये पूछा जाएगा डायरेक्ट कि जो विलियम वाई के द्वारा किस टाइप का मॉडल दिया था, तो कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ लेआउट दिया गया था। किसका, तो डिजिटल लाइब्रेरी का। उसमें उन्होंने चार चीज़ें बताई थी, पहला तो इंटरफेस डिज़ाइन, फंक्शनल डिज़ाइन, डाटा एंड मेटा डाटा, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क। तो हम लोग को ओनली बस यहाँ से ये याद रखना है कि डिजिटल लाइब्रेरी में जो हम सर्च करते हैं उसके लिए जो नियम दिया गया था किसके द्वारा, तो विलियम वाई के द्वारा। और विलियम वाई ने क्या दिया है, तो कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ लेआउट इन डिजिटल लाइब्रेरीज। फिर हमारा आता है
कि शास्त्री एंड रेडीज प्रिंसिपल, शास्त्री एंड रेडीज प्रिंसिपल ने भी क्या किया था कि ये सर्च एंड ब्राउजिंग सर्च एंड ब्राउजिंग के लिए डिजिटल लाइब्रेरी में प्रिंसिपल्स दिए थे, कब? तो 2009 में। इन्होंने इसमें ये बताया था कि सिंपल इंटरफेरेंस होना चाहिए, जो भी हम लोग सर्च करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी में वो यूज़र के सपोर्टिव होना चाहिए, यूज़र के फैमिलियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव फीडबैक मिलना चाहिए, डिज़ाइन हम लोग का अच्छे से होना चाहिए, एरर को प्रिवेंट करना चाहिए, मल्टीमीडिया में सपोर्ट करना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो याद रखने की शास्त्री एंड रेडीज का प्रिंसिपल कब आया था, तो 2009 में, और विलियम वाई का कब? 2000 में। अब जो यहाँ से सर्विसेज जो डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये पॉइंट, ये जो इसका सब टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डिजिटल लाइब्रेरी जो सर्विसेज देती है, उसमें हमारा आता है सबसे पहले कि वो ईमेल अलर्ट करती है, जैसे हम लोगों ने उसमें लॉगिन कर लिया डिजिटल लाइब्रेरी में, तो उसके बाद वो हम लोग को ईमेल के द्वारा हम लोग को टाइम टू टाइम बताती रही कि कौन सी बुक आई है, या तो हम लोग को कब जो भी हमारा फंक्शन है नोटिस जो भी हम लोग को ईमेल के द्वारा अलर्ट करती रहेगी। डिजिटल रेफरेंस सर्विस। वेब फीड्स, वेब फीड्स में हमारा दो आता है पार्ट आता है इसका, आरएसएस फीड्स और एटम फीड्स। आरएसएस फीड का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है रियल सिंपल सैनिडिकेशन या रिच साइट समरी। इसका यूज़ ये होता है कि जो भी यूज़र्स हमारा डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या करें, लगातार जो अपडेटेड कंटेंट है उससे हम लोग उसको हेल्प कर सके, यूज़र का जो भी हमारा कंटेंट आ रहा है अपडेट हो रहा है वो सब हम यूज़र को बताएं, तो ये हमारा आता है आरएसएस फीड में। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो देखिए, आपसे पूछा जाए कि एसडीआई सर्विस का अल्टरनेट क्या है, तो हम लोग को ये बताना है कि एसडीआई सर्विस को जो है अल्टरनेट आरएसएस फीड्स को माना जाता है, और जो एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेलेक्टिव डिसिमिनेशन इंफॉर्मेशन एंड एसडीआई सर्विस जो है कि कब किसके द्वारा बताया गया था, तो एचपी लुहून के द्वारा बताया गया था। तो हम लोग को यहाँ से दो तीन बातें याद रखनी है, एक तो पहले आरएसएस फीड्स का फुल फॉर्म, आरएसएस फीड किसका अल्टरनेटिव है, तो एसडीआई सर्विस का, इसके तहत क्या होता है कि हम लोग अपडेटेड कंटेंट यूज़र को देते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि आरएसएस फीड जो है ये किसका टूल है, तो ये कौन से वेब का टूल है, तो हम लोग को याद रखना है कि आरएसएस फीड इज़ ए टूल ऑफ वेब 2.0। तो हमारे तीन टाइप के वेब है, वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग को ये दो तीन बातें याद रखना है, पहला तो आरएसएस फीड का फुल फॉर्म, आरएसएस फीड अल्टरनेटिव एसडीआई सर्विस का, आरएसएस फीड किसका टूल है, तो वेब 2.0 का। आरएसएस फीड जो है किसके द्वारा डेवलप हुआ है, तो डेव विनर कब, तो 1997 में। और जो वेब 2.0 है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो टीम ओ रैली एंड डेल, ये कब इन्होंने किया था, 2004 में। तो ये तीन चार बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर जो सर्विसेज जो डिजिटल लाइब्रेरी देता है, उसमें एक और सर्विस आता है आर्क्स एंड एक्सपर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे आर्क्स एंड एक्सपर्ट किस जो मेथड है, सर्विस है, ये किस लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद हम लोग को आंसर्स प्राप्त मिलता है, जैसे कि हम लोग को, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि जो हम लोग क्रोम में सर्च करते हैं तो हम लोग को ब्रेनली मिलता है, ये सारे साइट्स होते हैं जो जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को आंसर्स मिलते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये क्या है, आर्क्स एंड एक्सपर्ट जो भी है डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा सर्विस दिया जाता है। अब देखिए जो एक है कि डी स्पेस, हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी से क्या उम्मीद करते हैं, हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जैसे हमारा कम स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस तो ये लेता ही नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी से ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी हम लोग को बुक्स मिल रहा है ऑनलाइन, वो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव मिले, हम लोग को आराम से ज़्यादा सर्च वर्च ना करना पड़े, आराम से हम लोग लॉगिन करें, हम लोग किताब सर्च करें, हम लोग को तुरंत से मिल जाए। तो डी स्पेस का क्या होता है, व्हाट इज़ डी स्पेस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी स्पेस क्या है, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे आइटम्स हैं, टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो और फॉर्मेट, इस सब को क्या करता है, कैप्चर करके रखता है। डी स्पेस एक टाइप का सॉफ्टवेयर है ये, और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। प्रेजेंट में डी स्पेस किसके द्वारा मतलब डेवलप किया जा रहा है, तो ड्यूरा स्पेस के द्वारा। ये स्टार्ट कब किया गया था, 2000 में, और स्टार्टिंग में ये किसका प्रोजेक्ट था, तो MIT लाइब्रेरीज़ का। तो यहाँ से आपको तीन चार बातें याद रखनी है कि डी स्पेस क्या है, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में ड्यूरा स्पेस इसको डेवलप कर रहा है, स्टार्ट हुआ था 2000 में, और स्टार्टिंग में जब ये आया था तो जॉइंट प्रोजेक्ट था किसका, तो MIT लाइब्रेरीज एंड हेवलेट पैकयार्ड लैब्स का। अब उसके बाद एक और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ग्रीनस्टोन। तो ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर हमारा आया था 1988 में, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक टाइप का
रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है जो कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ में यूज़ होता है। ये एक मल्टीलिंगुअल है जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा डेवलप किया गया था। अब आपसे देखिए, ये इसरो का क्वेश्चन में आया हुआ है, जो इसरो में जो लाइब्रेरियन का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टोन डी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि स्टोन डी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जो कि हमारा जो भी कलेक्शन है उसको हम लोग ग्रीन स्टोन से जब हम लोग को कन्वर्ट करना होता है किसमें, डी स्पेस में, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो स्टोन डी। तो स्टोन डी इज़ यूज टू कन्वर्ट कलेक्शन फ्रॉम ग्रीन स्टोन टू डी स्पेस। तो हमारे डिजिटल लाइब्रेरीज में दो टाइप के सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक तो डी स्पेस एंड ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन हमारा रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है और जो हमारा डी स्पेस है उसमें हम लोग सारे जो हमारे टेक्स्ट वीडियोस जो भी है सब हम लोग स्टोर करके रखते हैं। डी स्पेस हमारा था 2000 में और ये ग्रीन स्टोन है हमारा 1988 में। दोनों जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर हमारा आता है एक फेडोरा। फेडोरा का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। देखिए, अब डिजिटल लाइब्रेरी तो उसका हम कुछ आर्किटेक्चर बेस्ड भी करेंगे कि किस तरीके से हमारा डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, कि जैसे यूज़र डिजिटल लाइब्रेरी जो भी करेगा तो किस तरीके से हमारा साइट होना चाहिए, तो उसका भी एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसका नाम क्या है, फेडोरा। ये भी आपको याद रखना है कि किस टाइप क्या नाम है उसका, फेडोरा, जिसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। ये भी ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसको भी ड्यूरा स्पेस डेवलप करता है। इसका ओरिजिन कब है, कहाँ से, तो यूएसए से। फर्स्ट टाइम जो है इसको पब्लिक के लिए जब रिलीज़ किया गया था तो 2003 में, और तब जो रिलीज़ किया गया था फेडोरा 1.0। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि तो डिजिटल लाइब्रेरीज में कितने, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए, एक तो डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, एक फेडोरा। और ग्रीन स्टोन जो है हमारा रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है और ये जो है डिजिटल लाइब्रेरी का जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड है, और जो डी स्पेस है वो कलेक्शंस को स्टोर करने से रिलेटेड है। फिर आरएसएस फीड आपको याद रखना है कि आरएसएस फीड जो है वेब 2.0 पे बेस्ड है। एसडीआई सर्विस का अल्टरनेटिव है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो सर्च एंड ब्राउजिंग है उसके लिए जो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, एक तो विलियम वाई जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिया था। फिर हमारा आता है सेरेस, सेस्टी एंड रेडीज प्रिंसिपल, जो कि 2009 में इन्होंने ये जो दिए थे कि यूज़र्स के फ्रेंडली होने चाहिए। फिर हमारा आता है ये ब्रॉगमैन के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के कॉम्बिनेशंस थे कुछ। फिर मार्कोनी एंड फॉक्स के द्वारा फोर डायमेंशंस बताए गए, डिजिटल लाइब्रेरी का फर्स्ट यूज़ 1994 में। ये सब कुछ स्टैटिकल्स क्वेश्चन है, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया कहाँ पे है, तो आईआईटी खड़गपुर में, जो कि अंडर एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। अब देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसको यूएस के प्रोजेक्ट में बताया गया था, तो वहाँ पे किस इंसान ने बताया था, तो माइकल स्टेरनहार्ट जो कि यूएसए के थे, उन्होंने ये क्या बताया था, डिजिटल लाइब्रेरी टर्म को बताया था यूएस के प्रोजेक्ट में। फिर किस स्टेट ने जो है डिजिटल लाइब्रेरी को सबसे पहले स्टार्ट किया, तो यूपी। तो ये था हमारा पूरा डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड। इससे आई होप कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू।